नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी वियतनाम के दौरे पर, शनिवार को वहां के नेताओं से करेंगे मुलाकात। चीन को देंगे कड़ा संदेश। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और वियतनाम में है तनाव की स्थिति। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में बनाया नया फ्रंट। आप में जाने की अफवाहों पर लगा विराम। नए फ्रंट में अकाली नेता और पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगत सिंह भी शामिल। कश्मीर मसले पर सरकार ने कल बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। शरद यादव बोले हुर्रियत से भी हो बात। गृहमंत्री राजनाथ के नेतृत्व में 4 सितंबर को श्रीनगर जाएगा ऑल पार्टी डेलीगेशन। गोवा आरएसएस विवाद में नया मोड़। सुभाष वेलिंगकर का आरोप, कहा मनोहर पर्रिकर के कारण मुझे हटाया गया। पर्रिकर के मुख्यमंत्री रहते हुए थे मतभेद। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने फिर छेड़ी सरकार के खिलाफ जांग। मिनिमम वेज बढ़ाने की फाइल वापस की। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिया निशाने पर। पीएम नरेंद्र मोदी वियतनाम के दौरे पर है। 15 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वियतनाम पहुंचा है। इससे पहले साल 2001 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने वियतनाम की यात्रा की थी। शनिवार को पीएम मोदी वियतनाम के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वियतनाम दौरे के जरिए पीएम मोदी चीन को कड़ा संदेश देंगे, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर वियतनाम और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। वियतनाम के बाद पीएम मोदी चीन के हांगजो के लिए रवाना होंगे, जहां उन्हें G20 सम्मेलन में हिस्सा लेना है। चीन में 4 से 5 सितंबर को G20 सम्मेलन होना है। 5 सितंबर को मोदी वापस देश लौटेंगे। कश्मीर में अमन चैन के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन 4 सितंबर को श्रीनगर जाने वाला है। इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने शनिवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वही जेडीयू नेता शरद यादव का कहना है कि कश्मीर मसले पर ऑल पार्टी डेलीगेशन को हुर्रियत सहित तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा, सरकार ने डेलीगेशन में जाने वाले तमाम पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें उन्हें कश्मीर को लेकर ब्रीफिंग देगी। ऑल पार्टी डेलीगेशन को बताया जाएगा कि श्रीनगर जाकर उन्हें किन किन लोगों से मिलना है, सरकार का एजेंडा क्या होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कश्मीर को लेकर हुर्रियत नेताओं से भी बात हो। पंजाब की सियासत में शुक्रवार को एक नई एंट्री हुई। पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगत सिंह के साथ मिलकर नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज ए पंजाब नाम से एक नया फ्रंट बनाया है। परगत सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्टर डालकर इस नए मोर्चे का ऐलान किया। इस पोस्टर में परगत सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बेंस भाई भी नजर आ रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, हमारी जंग उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया। जांचे परखे और हर कसौटी पर खरे। आस और विश्वास की राजनीति के लिए हम एक है। नवजोत सिद्धू ने हाल में बीजेपी की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनकी शर्तें नहीं मानी, इसलिए सिद्धू दंपति अब आवाज पंजाब का हिस्सा बने हैं। जालंधर से विधायक परगत सिंह अकाली दल से नाराज। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें निलंबित किया गया। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एलजी ने दिल्ली में मिनिमम वेज बढ़ाने की फाइल वापस लौटा दी। इसके बाद मंत्री गोपाल राय ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने वाली फाइल लौटाते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने का सिलसिला शुरू कर दिया। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज के दिन जब 18 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर है, प्रधानमंत्री मोदी के उपराज्यपाल ने मिनिमम वेज की फाइल लौटा दी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को इस योजना के बारे में ऐलान करते हुए कहा था कि अगर सरकार ज्यादा पैसे गरीबों और मिडिल क्लास की जेबों में डालेगी तो अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। दिल्ली के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार का सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति गर्मा गई है। जहां एक और कायम ब्रांच उनसे पूछताछ करेगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता ओम प्रकाश शर्मा और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने एसीबी से शिकायत कर कहा है कि संदीप ने अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। उन्होंने एसीबी से शिकायत करते हुए कहा कि संदीप कुमार अप्रैल और जून में अमेरिका गए। इस
दौरान उन्होंने करोड़ों में खर्च किया, जबकि चुनाव में नामांकन के दौरान संदीप कुमार ने अपनी संपत्ति 13,16,000 बताई थी। अब वे ये बताएं कि इतने पैसे उनके पास कैसे आए। शिकायतकर्ता ने इसकी जांच एसीबी से करने की मांग की है। साथ ही मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सह अभियुक्त बनाने की मांग की है। गोवा के आरएसएस प्रमुख पद से हटाए गए सुभाष वेलिंगकर ने खुद की बर्खास्तगी के पीछे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का हाथ बताया है। पर्रिकर रक्षा मंत्री बनने से पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे और भारतीय भाषा सुरक्षा मंच नामक संगठन के भी प्रमुख रहे। सुभाष वेलिंगकर से उनके विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे। वेलिंगकर ने एक बार कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता मनोहर पर्रिकर के उस आदेश को नहीं माने कि वो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच की बैठक में शामिल नहीं हो। दरअसल वेलिंगकर इस बात के लिए राज्य सरकार की ये कहकर आलोचना करते रहे हैं कि वे मराठी व कोंकणी की जगह अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम में तरजीह दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की मौत के रहस्य बने रहने के बीच जापान ने एक 60 साल पुरानी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में प्लेन क्रैश में ही नेताजी की मौत हुई थी। जापान सरकार ने नेताजी की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद साल 1956 में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्लेन क्रैश की वजह से नेताजी को कई जगह चोटें लगी थी और वह जल गए थे। इसके बाद नेताजी ने ताइपे आर्मी अस्पताल के ननमोन ब्रांच में 18 अगस्त 1945 को आखिरी सांसें ली थी। इस रिपोर्ट को तैयार कर साल 1956 में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास को सौंपा गया था, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक पर मेहरबानी दिखाने के आरोप में 3 अफसरों पर गाज गिरी है। इन्हें गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नायक के एनजीओ को रिन्यू करने की वजह से इन पर कार्रवाई हुई है। दरअसल इन 3 अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने बेहद गंभीर मामले में तथ्यों की जाँच किए बिना संस्था का FIR रिन्यू करा दिया। मामला सामने आते ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो लापरवाही बरतने के आरोप में अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जिन अधिकारियों का निलंबन हुआ है उन सभी ने जाकिर की संस्था FCR फाइल पर सकारात्मक रिपोर्ट दी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश नाकाम हो गई। गुरुवार की रात गेपुरा स्टेशन के पास ट्रैक पर लोहे का एंगल रखकर इस ट्रेन को पलटने की कोशिश की जा रही थी। ट्रेन चालक की सतर्कता से नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस पलटने से बाल बाल बच गई। लोहे का एंगल इंजन में फंस गया, लेकिन कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। PRO रेलवे के अनुसार इस सिलसिले में RPF ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। पकड़ा गया शख्स राम अवतार साहू मध्य प्रदेश का रहने वाला है। RPF साहू से पूछताछ कर रही है। यह हादसा गुरुवार की रात 10 बजे के आसपास टला। भारत सरकार ने रूस से 300 किमी की मार्क क्षमता वाली कैलिबर क्रूज मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। रूसी समाचार पत्र के हवाले से कहा गया है कि रूस अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा इन्ही मिसाइलों से करता है। कैलिबर क्रूज मिसाइल 50 किमी से लेकर 4000 किमी की मार्क क्षमता में उपलब्ध है, लेकिन भारत ने मध्यम रेंज यानी 300 किमी की मार्क क्षमता वाली मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। खास बात यह है, हाल में रूस द्वारा सीरिया पर इस मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। यह मिसाइल अभी सिर्फ दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और रूस के पास ही है। इस मिसाइल के मिलने से भारत चीन और पाकिस्तान के मुकाबले पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे माँ एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन पर आरोप उनके एक मुंबई में रहने वाले भक्त ने लगाया है। भक्त मनमोहन गुप्ता ने राधे माँ पर बेटों और भाई को भड़काकर बंगला हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत करने वाले मनमोहन गुप्ता MM मिठाई वाला के नाम से मिठाई की दुकान चलाते हैं। पुलिस को दी शिकायत में उनका कहना है कि राधे मां ने बुधवार सुबह कई बार उनके पंजाब वाले नंबर पर फोन किए और उसे फिर से मुंबई के बोरीवली स्थित बंगले को देने को कहा। दरअसल बीते दिनों राधे मां के विवादों में फंसने और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगने के बाद मनमोहन गुप्ता ने उनसे बंगला खाली करवा लिया था। मनमोहन गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में खुद को जान का खतरा बताया है और कहा कि अगर राधे माँ ऐसा कुछ भी करती है तो वह बेघर हो जाएंगे। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर राधे माँ के खिलाफ IPC की धारा 507 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
जीएसटी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का रास्ता अब साफ हो चुका है। ओडिशा विधानसभा ने जीएसटी बिल को पास कर दिया है, जिसके बाद ये देश का 16वां राज्य बन गया है। बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए 50% राज्यों की विधानसभा में बिल का पास होना जरूरी था। ओडिशा विधानसभा में पास होने के साथ ही अब इसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना जारी होगी। जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट और तय करेगी। जीएसटी की डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 है। वित्त मंत्री जेटली ने ट्वीट में कहा, जरूरत के मुताबिक उपयुक्त संख्या में राज्यों ने जीएसटी विधेयक का अनुमोदन कर दिया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास उनकी संस्तुति के लिए भेजा जा सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पर करारा तंज करते हुए कहा कि विदेश में जाकर विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी की इस परियोजना के शुभंकर बबर शेर के मुंह से चूहे की आवाज भी नहीं निकलती। राहुल ने जगदीशपुर क्षेत्र के जाफरगंज में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी पर देश की जनता से वादा खिलाफी और अमेठी की जनता के खिलाफ बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी हिंदुस्तान के विकास की बात करते हैं, मगर वे अमेठी की जनता को चोट पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, उल्टे पिछली मनमोहन सिंह सरकार की तमाम योजनाओं को बंद कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वह अपने पद पर कुछ समय और रुकना चाहते थे, लेकिन अपने सेवाकाल के विस्तार के बारे में सरकार से उचित तरह का समझौता नहीं हो सका। राजन का 3 साल का कार्यकाल इसी 4 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधूरे काम को देखते हुए मैं रखना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बात यही खत्म हो गई। राजन विभिन्न मुद्दों पर अपने मुखर विचारों के लिए चर्चित रहे। कई मुद्दों पर उनके विचारों को सरकार के विचारों के खिलाफ देखा गया। साक्षात्कार में राजन ने देश में बढ़ती असहिष्णुता पर अपनी विवादास्पद भाषण का बचाव किया। इस बयान से सरकार काफी असहज हो गई थी। विभिन्न अवसरों पर लीक से परे बोलने को लेकर अपनी आलोचनाओं को खारिज करते हुए राजन ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व या हस्ती का ये वेद कर्तव्य था, नैतिक दायित्व बनता है कि वह युवाओं को बताए कि अच्छी नागरिकता क्या होती है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।